नमस्कार, मेरे इस चैनल प्लैनेट स्कॉलर रविंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक महान एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, जिसको हम सब कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से जानते हैं, के माध्यम से विवाह का सही समय निर्धारण कैसे करते हैं, उसके विषय में मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा या डिस्क्राइब करूंगा। तो विवाह के विषय में चर्चा करने से पहले जो विवाह के पहलू हैं, जिसको कृष्णमूर्ति जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, किसी भी चार्ट में जो विवाह का मेन भाव होता है वो होता है सप्तम भाव। पर कृष्णमूर्ति जी ने थोड़ा आगे जाके उसके साथ और दो भाव जोड़ दिए, जो कि है सेकंड भाव और इलेवेंथ हाउस और ग्यारह भाव। सेकंड भाव क्या होता है? सेकंड भाव होता है कुटुंब भाव, जिस भाव में आप या जिस घर में आप पैदा हुए, जहां पर आपके माता पिता बंधु बांधव सब रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कुटुंब भाव। और ग्यारह भाव क्या होता है? सांसारिक सुख प्राप्ति का भाव है या मटेरियल अचीवमेंट का भाव। तो किसी व्यक्ति के जीवन में अगर विवाह होता है तो उसके कुटुंब में एक नई नवेली दुल्हन आती है या उसके कुटुंब में एक नया व्यक्ति का आगमन होता है। तो यहाँ पर कुटुंब की बात की गई। सप्तम भाव तो बाय नेचुरल वो विवाह का भाव है, अपोजिट पार्टनर का तो भाव है। और जब 11 भाव की बात आता है तो हमको या जिस व्यक्ति की जीवन में ये घटना घटित होती है उसको एक सांसारिक पार्टनर मिलता है या साथी मिलता है, जिसके लिए उससे वो लाभ प्राप्त करता है, सुख की प्राप्ति करता है और कामना भी करता है। इसीलिए मैरिज का जो हाउस है वो 2711 हाउस को सिग्निफाई करता है। एज पर ज्योतिष के हिसाब से हर भाव का द्वादश भाव उस भाव को क्षति पहुंचाता है या उस भाव के सिग्निफिकेशन को क्षति पहुंचाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड हाउस का 12th हाउस जो है वो है फर्स्ट हाउस, सप्तम भाव का 12th हाउस है छठा भाव, और 11th हाउस का जो 12th हाउस है वो है दसम भाव। तो अगर मैरिज का भाव होता है 2711 हाउस, देन नेगेशन ऑफ मैरिज शो करता है 1610 हाउस। ये तो हो गए एक कुंडली में 6 भावों का विश्लेषण। बाकी जो 6 भाव रह गए उसमें से 4 भाव ऐसे हैं जो विवाह को सपोर्ट करता है और उसको हम फैसिलिटेटर हाउस कहते हैं, या कृष्णमूर्ति जी उसको फैसिलिटेटर हाउस कहते हैं, जो कि है पंचम भाव, नवम भाव और अष्टम भाव, द्वादश भाव। पंचम भाव और नवम भाव के बारे में अगर हम बात करें तो पंचम भाव होता है सप्तम भाव से 11 भाव। सप्तम भाव मेन हाउस ऑफ मैरिज, उसका गेन या उससे गेन जो प्राप्ति होता है वो होता है पंचम भाव, लग्न कुंडली से पंचम भाव। और जो नवम भाव है वो सप्तम भाव का बल, एनर्जी, बूस्ट, पावर को शो करता है, जो कि उसको रिटेन करने में सक्षम होता है, इसलिए उसको फैसिलिटेटर हाउस कहा जाता है। तो ये दोनों जो भाव होते हैं ये फैसिलिटेटर भाव होते हैं। अगर दूसरी एंगल से हम देखेंगे तो जो पंचम भाव है वो छठा भाव का द्वादश भाव है। छठा भाव हो गया रोग, ऋण एंड रिपु, शत्रु। तो रोग, ऋण, रिपु विहीन जो विवाह होता है वो बहुत अच्छा ही होता है। नवम भाव जो होता है नेगेशन ऑफ मैरिज हाउस, जो दसम भाव है उसका द्वादश भाव है। छठा भाव भी नेगेशन ऑफ मैरिज का घर है और दसम भाव भी नेगेशन ऑफ मैरिज का घर है। तो ये दोनों घरों से जो द्वादश भाव है वो पंचम भाव और नवम भाव रेस्पेक्टिवली है। तो ये दोनों भाव बहुत ही पावरफुल है। तो अभी 3-3-6 और ये दो भाव को छोड़ करके बाकी 4 भाव बच गए। तो उनमें से 2 भाव ऐसे हैं जो कि फैसिलिटेटर हाउस कहा जाता है, जो कि अष्टम भाव और द्वादश भाव, 8th हाउस एंड 12th हाउस। 8th हाउस है सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स एंड डाउरी, और 12th हाउस है बेड प्लेजर या सैया सुख, जो कि ये दोनों भाव विवाह में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि डाउरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्सुअल पार्ट जरूर इन्वॉल्व होता है और वो बेड प्लेजर को और सिग्निफाई करता है। अगर 8 नहीं है तो 12 का कोई वैल्यू नहीं है, अगर 8 है 12 नहीं है तो 8 का भी कोई वैल्यू नहीं। तो 8 और 12 दोनों होना चाहिए एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। अगर 8th हाउस एंड 12th हाउस जॉइंट हो जाता है मैरिज हाउस के साथ, जो प्राइम हाउस ऑफ मैरिज है 2711,
तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, दैट शोज द गुड रिजल्ट। बट अगर ये अष्टम और द्वादश भाव जो कि बहुत सीक्रेस भाव होता है मैरिज के लिए, अगर ये 1, 6, 10 मतलब नेगेशन ऑफ मैरिज के साथ जुड़ जाता है तो वो एक बिकरिंग इंसल्ट एंड लॉस टू मैरिड लाइफ देता है। बहुत ही दुखद पूर्ण घटना को घटित होने में ये पावर देता है या बल प्रदान करता है। यहां पर हम देखते हैं कि 12th हाउस के साथ अगर 11 भाव जुड़ जाता है तो उसको हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि 11 भाव हो गया आपका धन और 12th हाउस हो गया आपका एक्सपेंडिचर खर्चा आपका लॉस। बट मैरिज में लॉस नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ मिलता है कुछ खर्चा करके या एक्सपेंडिचर करके, वी विल गेट समथिंग, सो इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। और एक बात है कि अगर द्वादश भाव के साथ अगर छठा भाव अष्टम भाव जुड़ जाता है तो ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है जिसको हम लॉस बोलते हैं, क्षति देता है मनुष्य के जीवन में। तो ये तो हो गया आपके 10 भावों की बात। बाकी जो दो भाव बच जाते हैं वो होता है 3rd हाउस एंड 4th हाउस, दोनों न्यूट्रल हाउस है। वैसे तो 4th हाउस सुख का भाव है बट ये बेसिकली न्यूट्रल हाउस है, उसका मैरिज के साथ कुछ लेन देन नहीं। तो पहले किसी भी जीवन में घटना को घटित होने के पहले हम देखेंगे कि क्या जन्म कुंडली में उस भाव से रिलेटेड कोई प्रॉमिस है कि घटना घटित होगी। अगर उस घर में या भाव में पावर नहीं है तो उस व्यक्ति की कंसर्न घटना उस व्यक्ति के जीवन में कुछ रिजल्ट नहीं देगा या घटना घटेगी ही नहीं। तो यहाँ पर जो सप्तम भाव है वो मेन मैरिज हाउस है, विवाह का भाव ही सप्तम भाव किसी भी कुंडली में। तो रूल ये कहता है या कृष्णमूर्ति ने जो महावाक्य दिए हैं प्रॉमिस देखने के लिए वो ये है कि जो 7th हाउस कस्पल सब लॉर्ड है वो रिटेन करना चाहिए मैरिज का मेन हाउस, दैट इज 2, 7, 11। या अगर हम अलग बात से बोले, इफ 7th हाउस कस्पल सब लॉर्ड कैचेस और कैरेज 2, 7, 11 देन वो सप्तम कस्पल सब लॉर्ड रिजल्ट देता है या 7th हाउस रिजल्ट देता है विवाह का, मतलब उस सप्तम भाव में या उस व्यक्ति के जीवन में विवाह होने की चांस 100% है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो व्यक्ति अपने किसी निजी लोग या निजी आदमी के बारे में पूछने आता है या किसी के बारे में क्वेरी करके आता है कि क्या अभी विवाह का समय है, तो एक अच्छा ज्योतिषी पहले क्या देखेगा कि या हम लोग क्या देखेंगे कि क्या जिस व्यक्ति की चार्ट आई है उसका मैरिजेबल एज चल रहा है। बेसिकली मैरिजेबल एज इंडिया में या भारत में 24th ईयर है। तो हम देखेंगे कि जो महादशा लॉर्ड चल रहा है मैरिजेबल एज में, क्या वो 2, 7, 11 जैसा अच्छा भाव दे रहा है, क्या 2, 7, 11 में जो भाव जुड़े हैं वो महादशा लॉर्ड में इन्वॉल्व है प्लैनेट लेवल पे, नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे या सब लॉर्ड लेवल पे। अगर वो सर्टिफाई कर रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे अंतरदशा लॉर्ड को देखेंगे कि क्या 2, 7, 11 इसको सर्टिफाई कर रहा है फॉर गिविंग मैरिज और नॉट। अगर महादशा लॉर्ड पहले से ही मना कर दे रहा है तो हम नेक्स्ट फिर महादशा को स्किप करके जाएंगे। अगर महादशा लॉर्ड प्रॉमिस कर दिया तो हम अंतरदशा लॉर्ड की तरफ चलेंगे, और अंतरदशा लॉर्ड अगर आपको प्रॉमिस दे दिया तो फिर हम देखेंगे प्रत्यंतरदशा लॉर्ड। तो इस तरह से हम देखने के बाद महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, देन कंसर्न दशा लॉर्ड, सब प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण, हम जाएंगे ट्रांजिट की तरफ या चलन की तरफ कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तो प्रॉमिस दे दिए, बट क्या जो ग्रह का डेली चलन होता है या ट्रांजिट होता है वो किस समय कंसर्न भाव भावेश को के साथ जुड़ता है या कंसर्न भाव भावेश को इन्फ्लुएंस करता है कि मैरिज हो, तब हम अगर पाते हैं कि महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड एंड कंसर्न दशा लॉर्ड विद ट्रांजिट, ये सब मिलके एक अच्छी विवाह की या विवाह के समय की जानकारी देता है, तो हम समझेंगे कि विवाह होगा या विवाह का टाइमिंग आ गया है। तो पहला जो प्रॉमिस का महावाक्य है कि 7th कस्पल सब लॉर्ड का, कि अगर वो रिटेन करता है मैरिज ऑफ 2, 7, 11 तो मैरिज के लिए वो व्यक्ति सुख प्राप्ति करेगा। तो इसको हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि कैसे कि जो व्यक्ति
आया था या इस व्यक्ति की जब कुंडली मेरे पास आई थी रिगार्डिंग कंसल्टेशन, क्या वो सेवेंथ हाउस कस्पल सब लॉर्ड उसको प्रॉमिस करता है? तो ये रहा उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट, और ये रहा उस व्यक्ति की कस्पल चार्ट। तो ये देखिए उस व्यक्ति की हाउस वाइज एनालिसिस। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर अगर हम देखें सेवेंथ हाउस, तो यहां पर देखिए सेवेंथ हाउस नक्षत्र लेवल पे या प्लैनेट लेवल पे गुरु सेवन को सर्टिफाई कर रहा है, नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे भी गुरु सेवन सर्टिफाई कर रहा है, फिर प्लैनेट जब सब लॉर्ड बन के आया तो वहां पर भी वो सर्टिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेवेंथ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो प्रॉमिस कर रहा है मैरिज के लिए, मतलब इस व्यक्ति के जीवन में विवाह सुख है और कंसर्न दशा पीरियड आने से वो विवाह हो। तो फिर हम आगे फिर देखेंगे कि क्या और किस पीरियड में उस व्यक्ति की जीवन में घटना घटित हुई या मैरिज हुआ। तो जब ये व्यक्ति मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आया था तब उसका शनि की महादशा में लास्ट अंतरदशा गुरु की चल रही थी। तो आइए चलते हैं शनि और गुरु की एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या उसका प्लैनेट नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पे क्या मैरिज प्रॉमिस हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जो शनि है, सैटर्न है, जो महादशा लॉर्ड है और महादशा लॉर्ड होके बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये शनि है और यहाँ पर देखिए प्लैनेट लेवल पे शनि प्रॉमिस तो कर रहा है बट नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे शनि प्रॉमिस नहीं दे रहा है। यहाँ पर थर्ड हाउस हो गया आपका न्यूट्रल हाउस, पंचम भाव हो गया फैसिलिटेटर हाउस, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हाउस है टेंथ हाउस जो कि नेगेशन ऑफ मैरिज को शो कर रहा है। अगर हम सब लॉर्ड की तरफ चले राहु की तरफ तो यहाँ पर देखिए ये नेगेशन हाउस दे रहा है बट यहाँ पर सेकेंड हाउस इलेवेंथ हाउस मैरिज को प्रॉमिस कर रहा है और अष्टम भाव और ये जो ट्वेल्थ हाउस है ये दोनों फैसिलिटेटर हाउस है और थर्ड हाउस जो है और फोर्थ हाउस जो है ये दोनों न्यूट्रल हाउस है। तो यहाँ पर एक नेगेशन हाउस है बट बाकी सब सपोर्ट करते हैं मैरिज को। तो शनि के पीरियड में इनको मैरिज के लिए प्रॉमिस मिल गया कि शनि की महादशा में इनको मैरिज होगी। फिर आगे चलते हैं गुरु की तरफ, जो गुरु अंतरदशा लॉर्ड है, लास्ट अंतरदशा लॉर्ड ऑफ सैटर्न महादशा। तो यहाँ पर देखिए प्लैनेट लेवल पे द्वादश भाव आया जो कि नेगेशन है, सॉरी सपोर्टिंग हाउस है, बट यहाँ पर फर्स्ट हाउस जो है वो नेगेशन ऑफ मैरिज दिखा रहा है और थर्ड जो है न्यूट्रल है। फैसिलिटेटर हाउस तो है बट मेन स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ नेगेशन वन है, इसीलिए प्लैनेट लेवल पे गुरु प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं दिखा रहा है बट नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे ये प्रॉमिस दिखा रहा है क्योंकि हम शनि के क्षेत्र में ये देख चुके हैं। बट जब हम चलते हैं सब लॉर्ड लेवल पे तो यहाँ पर देखते हैं छठा भाव जो स्ट्रॉन्ग नेगेशन ऑफ मैरिज का भाव है वो दिखा रहा है, मतलब गुरु की अंतरदशा में सब लॉर्ड ही स्ट्रॉन्ग है जो कि नेगेशन ऑफ मैरिज दिखा रहा है। हमारा रूल ये कहता है कि सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। तो सब लॉर्ड अगर नेगेशन दिखा दिया मतलब इस पीरियड में मैरिज नहीं होगा और हुआ भी नहीं। मैरिज आगे जाके उसका हुआ बुध की महादशा में, जब बुध की अंतरदशा चल रही थी तब जाके उनको विवाह हुआ क्योंकि बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा में और केतु की प्रथम तथा दशा जब चल रही थी तो उनकी मैरिज हुआ। तो आइए देखते हैं ये महादशा बुध और केतु क्यों मैरिज दिया। तो यहाँ पर देखिए बुध जो है वो प्लैनेट लेवल पे छठा भाव शो कर रहा है, नेगेशन दिखा रहा है, बट अगर हम देखते हैं नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे तो ये पंचम भाव और अष्टम भाव दिखा रहा है। अष्टम भाव फैसिलिटेटर हाउस है, पंचम भाव भी फैसिलिटेटर। यहाँ पर 1, 6, 10 जैसा नेगेशन ऑफ मैरिज हाउस नहीं दिखा रहा है।
नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पे यहाँ पर मैरिज शो कर रहा है, बट अगर हम जाते हैं सब लॉर्ड लेवल पे तो यहाँ पर ये 100% शो कर रहा है मैरिज का कॉम्बिनेशन जो 2-11 है और 8-12 जैसे सपोर्टिंग हाउसेस का साथ उसको हेल्प मिल रहा है, और 1 जैसे नेगेटिव हाउस वो एक ही है, और 3rd और 4th हो गया आपका न्यूट्रल हाउस, उसका मैरिज सा होने या नहीं होने में कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ 2nd हाउस, 11th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस ये चारों भाव होने की वजह से सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो बुद्ध की महादशा एंड बुद्ध की अंतर्दशा में इसकी मैरिज हुई एज पर माई प्रेडिक्शन। जब केतु की प्रत्यंतर दशा आई तब उनकी मैरिज उस कंसर्न डेट में हुआ। तो देखते हैं प्लैनेट लेवल पे केतु क्या दिखा रहा है। प्लैनेट लेवल पे केतु ओनली 6th भाव दिखा रहा है, नेगेशन भाव, बट यहाँ पर देखिए 8, 9 और 11, 11 मेन हाउस होता है मैरिज का प्रॉमिस का एंड 8 एंड 9, 9 हो गया उसका सपोर्टिंग हाउस। तो 8, 9, 11 होने की वजह से यहाँ पर मैरिज केतु की अत्यंत दशा में प्लैनेट लेवल पे प्रॉमिस दिखा रहा है। जब हम चलते हैं नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पे तो चंद्रमा की जब नक्षत्र लॉर्ड केतु की महादशा में चल रही थी, सॉरी केतु की दशा पीरियड चल रही थी, तो यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा जो है 2nd हाउस एंड 7th हाउस शो कर रहा है जो कि मेन हाउस है या मेन इंडिकेटर हाउसेस है मैरिज के लिए। अगर हम फिर सब लॉर्ड में चलेंगे तो 4th हाउस हो गया आपका न्यूट्रल हाउस, अष्टम भाव हो गया सपोर्टिंग हाउस एंड 11th हाउस हो गया मेन हाउस ऑफ मैरिज या मेन इंडिकेटर हाउस ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर केतु जो है अपने प्लैनेट लेवल पे, नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे एंड सब लॉर्ड लेवल पे, ये तीनों लेवल पे अपने ही मेनू में वो मैरिज लेके बैठा हुआ। बुद्ध की महादशा, बुद्ध की अंतरदशा एंड केतु की प्रत्यंतरदशा पीरियड में इस व्यक्ति के जीवन में विवाह की शुभ प्राप्ति हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना होती है किसी व्यक्ति के जीवन में। तो जो कृष्णमूर्ति पद्धति एक सॉलिड सिस्टम ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, या कृष्णमूर्ति जी ने जो वाक्य या स्टेटमेंट बताए हैं रिगार्डिंग मैरिज, वो सबसे बेहतरीन है और उसको अच्छी तरह से समझना या बूझना चाहिए। तब जाके आप जब कुंडली के ऊपर दर बदर आप जब अप्लाई करते चलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप किसी के जीवन में मैरिज रिलेटेड प्रॉमिस या उसका क्वालिटी ऑफ मैरिज फिर आप बता पाएंगे। इसके माध्यम से जो कंसर्न व्यक्ति आपके पास आया है उसको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा या सही डायरेक्शन मिलेगा आगे की डिसीजन लेने। तो इसी के साथ या इसी ज्योतिष विश्लेषण के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और फिर आगे मैं क्वालिटी ऑफ मैरिज के विषय में फिर एक नई चर्चा के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे, नमस्कार।